गुड मॉर्निंग बच्चों, 10 क्लास पहला चैप्टर शिक्षिका द्वारा प्रदत्त बजट का प्रदर्शन। उसमें आज आपको मैं दिए गए निर्णयता के लिए सुझाव टॉपिक बताने जा रही हूँ। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होगा। तो इसमें पहला पॉइंट है मितव्ययिता। सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या है मितव्ययिता। का अर्थ है कम खर्चीलापन, कम खर्च करके अधिक से अधिक संतोष प्राप्त करना मितव्ययिता कहलाता है। कंजूसी नहीं, कंजूसी करना मितव्ययिता नहीं है कि आप अपने खाने में कटौती करें, पहनने में कटौती करें, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो फिजूल खर्ची है उससे बचना मितव्ययिता है, यानी कम खर्च करके अधिक संतोष प्राप्त करना मितव्ययिता कहलाता है। और ये गृहिणी का एक आवश्यक गुण भी है। तो किस तरह से हम अपने घर के खर्च में मितव्ययिता लाएं, इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसमें पहला है आवश्यकता के अनुसार खरीद। कुछ गृहिणियां बहुत सी चीजें फालतू में भी खरीद लेती, देखा देखी, दूसरा कोई खरीद रहा है, टेढ़ी वाला आया, खुद भी सामान खरीद लिए, जबकि उसकी इतनी आवश्यकता नहीं भी होती है तब भी खरीद लेती है। ऐसे में आपका बजट फेल हो जाता है। इसलिए अपने बजट को ध्यान में रख करके आवश्यकता के अनुसार ही चीजों को खरीदना चाहिए। जितनी आपकी आवश्यकता है, जो आपकी आवश्यकता है, बस उतनी ही चीजें खरीदनी चाहिए। नगद भुगतान, कभी भी उधार नहीं लेना चाहिए, या कुछ चीजें लोग कर्ज उसमें लेते हैं, किस्तों में लेते हैं, तो किस्त वाली चीजों में आपको जितने की किस्त रहेगी उतना भरना पड़ेगा और सामान का उतना ही दाम देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ज्यादा भी लग जाए, लेकिन अगर आप तुरंत नगद भुगतान या तुरंत पैसा दे करके लेते हैं चीज, तो मोल भाव करके कम करा लेते, कुछ पैसा कम भी हो जाता है। इसलिए हमेशा नगद भुगतान करके सामान लेना चाहिए। तीसरा, सही स्थान से खरीदारी। खरीदारी करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ से चीजें खरीदें जहाँ हमको अच्छी भी चीजें मिले और सस्ती भी मिले। थोक वाली दुकान से लें तो सस्ती मिलेंगी और अच्छी भी चीजें मिलेंगी, इसलिए ये ध्यान देना चाहिए कि कहाँ से सामान, जिससे सामान अच्छा भी मिले और सस्ता भी मिले। अगला है गुणों की पहचान। गृहिणी को वस्तुओं के गुणों की पहचान होनी चाहिए। कुछ भोज पदार्थ ही ले लीजिए, उसको ऐसा भोज पदार्थ लीजिए जो पौष्टिकता से परिपूर्ण हो और सस्ता भी मिले, ताजा रहे, स्वच्छ रहे, ऐसे स्थान से खरीदना चाहिए। तो चीजों के, वस्तुओं के गुणों की पहचान होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु हम ले रहे हैं वो कितनी हमारे लिए पौष्टिक है, कितनी उत्तम है, इसकी पहचान होनी चाहिए। पांचवा, कुछ वस्तुएं थोक में खरीदना। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको थोक में खरीदना उचित रहता है, जैसे वर्ष में फसलों के समय अनाज सस्ता मिलता है, गेहूं जिस समय फसल तैयार होती है उस समय अनाज सस्ता मिलता है, गेहूं है, चावल है, दाल है, इन सब चीजों को थोक में खरीद लेने पर सस्ता भी मिलता है, लेकिन उसको संरक्षित करके रखना जरूरी है। अगर हम संरक्षित करके नहीं रखेंगे तो थोक में खरीदने का भी कोई फायदा नहीं है, वस्तुएं खराब हो जाएंगी और फिर हमारा अपव्यय हो जाएगा पैसा। इसलिए जो वस्तुएं हम थोक में खरीदें उसको संरक्षित करके अच्छे ढंग से रखें। अगला है संरक्षण विधि का ज्ञान। अब जो वस्तुएं जैसे हम थोक में खरीदें उनको संरक्षित करके रखना भी आना चाहिए, उसको अच्छी तरह से रखें जिससे वस्तुएं खराब ना हो। इसके अलावा वर्ष भर के लिए गिड़ी, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, सास बनाती है, ये गुण इसमें होना चाहिए कि वो इन सब चीजों को घर पे तैयार करेगी। संरक्षण विधि का ज्ञान होगा तो इन सब चीजों को घर पे तैयार करेगी तो बाजार से खरीदने में उसका पैसा अधिक नहीं लगेगा।
जैसे खाना बनाने के लिए लोग रखते हैं, बर्तन धुलने के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, कपड़ा धुलने के लिए लोग नौकर रखते हैं, तो कम से कम अगर नौकर रखेंगे तो हमारा पैसा बचेगा, नौकरों पर होने वाला खर्च बचेगा। और दूसरी चीज भीड़ी की एक्सरसाइज भी होती रहेगी, नहीं तो बैठे बैठे शरीर में तमाम तरह के रोग भी लग जाते हैं कि उन रोगों की दवा करो, मुस्तैद होता है। इसलिए घर के काम के लिए कम से कम नौकर रखना चाहिए। अगर पीढ़ी बाहर के काम कर रही है, बाहर निकलती है, सर्विस करने वाली है, तब तो उसके लिए जरूरी हो जाता है, अन्यथा अगर घर पर रहती है तो उसको कम से कम नौकर रखना चाहिए। आठवां, बालकों को ट्यूटर रखने के बदले स्वयं पढ़ाना। छोटे बच्चे हैं, लोग आजकल ट्यूशन लगा देते हैं, ट्यूटर आते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत अधिक फीस ले जाते हैं। छोटे बच्चे हैं तो स्वयं पढ़ाएं, इससे बच्चों में पढ़ाई करने की आदत भी पड़ती है और डरते भी हैं कि अभी मम्मी कुछ पूछेंगी, पापा कुछ पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, इसलिए बैठ करके पढ़ते हैं। और दूसरी चीज, बीवी को भी नॉलेज पड़ती है, उसकी भी उसका भी ज्ञान बढ़ता है, इसलिए बच्चों को ट्यूटर रखने के बदले स्वयं पढ़ाना चाहिए। अगला है घर के वस्तुओं की नियम पूर्वक देखभाल। घर की वस्तुएं अगर टूटी फूटती हैं तो उसमें ज्यादा पैसा अपव्यय होता है, क्योंकि फिर से हमको दूसरी चीज खरीदना पड़ता है। इसलिए टूटे फूटे जरा सा भी अगर कोई खराबी आए तो उसको तुरंत बनवाना चाहिए, इससे चीजें चलती रहती है। अगला है ईंधन, बिजली और पानी की बचत। और पानी की बचत भी बहुत आवश्यक है और अपव्यय से हमें बचाती है, क्योंकि बहुत से लोग ईंधन भी अच्छे तरह से नहीं उपयोग करते हैं, गैस खुला छोड़ दिए या फिर कोई भी सामान गैस पे चढ़ाने से पहले ही गैस जला दिए, तो ऐसे में ईंधन अधिक खर्च होता है। बिजली जहाँ से हटे वहाँ की तुरंत लाइट ऑफ कर दे, फैन ऑफ कर दे, पानी खुला है तो खुला रहने दिया जाता है, इसमें पानी की बचत करनी बहुत जरूरी है। इसलिए ईंधन, बिजली और पानी की बचत करना भी मितव्ययता कहलाता है। मितव्ययता के लिए इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि अपने घर के खर्चे में अच्छे से मितव्ययता ला सकती है। अब आज का ये चैप्टर आपका पहला